हम इंसान भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं पैसे कमाने के लिए, और फिर उसी पैसे से जो कि हमने इतनी मेहनत से कमाया है अपने खुद के लिए जहर खरीदते हैं, और सिर्फ जहर खरीदते ही नहीं, उस जहर को बड़े मज़े से खाते पीते भी हैं। वी टेक इट एज़ फन। हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमको जो भी ये नशे, सिगरेट हो, दारू हो, गुटखा हो, ले रहे हैं, ये हमें शॉर्ट टर्म में तो मज़े दे रहे हैं, बट इन लॉन्ग टर्म हमारी अच्छी सेहत को, हमारे अच्छे स्वास्थ्य को हमसे दूर ले जा रहे हैं। ये सब नशे हमें बहुत हमें अभी तुरंत भले ही यूफोरिया के आनंद की फीलिंग दे रहे हों, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हमारी असली खुशी को, जो कि हमको हमारी अच्छी सेहत से मिलती है, उसको हमसे दूर ले जा रहे हैं। आपको भले ही थोड़े समय के लिए खुद के बहुत ही स्ट्रांग होने की फील आती हो इन एडिक्शंस को लेते ही, लेकिन लॉन्ग रन में ये हमको कमज़ोर बना रहे हैं। आपको तुरंत इन नशों को लेते ही एक विनर की तरह फील होता होगा, लेकिन एक लॉन्ग रन में ये आपको एक लूज़र बना रहे हैं। एक कमज़ोर दिमाग और अस्वस्थ शरीर के साथ आप कैसे खुद को विनर बना सकते हैं? अच्छा, जो सेहत को नुकसान है वो तो है ही, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा एडिक्शंस का नुकसान है वो यह है कि ये सारे नशे आपको अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। ये जो नशे हैं ये आप पर, आपके दिमाग पर, आपकी लाइफ पर अपना राज चलाने लगते हैं। ये नशे आपको हर समय ऐसे फील कराते हैं मानो जैसे आपकी लाइफ से कुछ बहुत ज़रूरी मिसिंग हो, जबकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप अपना ज़रूरी से ज़रूरी काम पोस्टपोन कर देते हैं, डिले कर देते हैं, उस कुछ खास चीज़ के मिसिंग होने की फीलिंग को पूरा करने के लिए। आपके पास कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, आप उसको हमेशा डिले कर देंगे। एक बोतल शराब के लिए, सिगरेट्स के लिए आप अक्सर दिन में खुद को पाएंगे सभी कामों को छोड़कर दारू की बोतल ढूंढते हुए, सिगरेट्स के पैकेट्स और गुटखे के पाउच को तलाशते हुए। अच्छा, ये जो नशे हैं ये आपको एक यूफोरिया की, एक अपूर्व आनंद और सुकून की फीलिंग देते हैं, और क्योंकि आपने वो एक हाई फील कर लिया है, और फिर जब आपको ये नशे नहीं मिलते तो आपको लो भी फील ज़्यादा होता है। ड्रग्स लेने वालों को, नशा करने वालों को डिप्रेशन की शिकायत सबसे ज़्यादा होती है। ये आप जो लोग भी मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आप लोगों को भी एडिक्शंस होगा अल्कोहल का या टोबैको का, तो आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। आपको थोड़ी देर के लिए नशा नहीं मिलता तो कैसा फील होने लगता है, जबकि ब्रेन अपने नॉर्मल स्टेट में है, लेकिन क्योंकि आपने वो एक हाई फील कर लिया है, अब आपको नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में भी बहुत लो ही फील होता है, डिप्रेस सा फील होता है। जैसे जैसे आपका नशा बढ़ता जाता है, इस यूफोरिक और अल्टीमेट रिवार्ड की फीलिंग की वजह से आपको अपनी लाइफ की बाकी सारी खुशियां बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट मालूम होने लगती हैं। आपकी लाइफ में कोई भी कितनी भी खुशी का मोमेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको अपना नशा नहीं मिलेगा तो आप हर समय कुछ ज़रूरी, कुछ खास मिस करने की फीलिंग महसूस करते रहेंगे। इनफैक्ट जैसे जैसे आपका नशा बढ़ेगा, आपकी लाइफ में बस और बस एक ही खुशी रह जाएगी, वो आपके नशे की। वो एक शॉर्ट टर्म का हाई जो आपको अपने नशे से मिलता है, उसके आगे आपकी लाइफ की बाकी और बड़ी छोटी खुशियां सब बेकार और बहुत ही लेस सिग्निफिकेंट मालूम होने लगती हैं। अपना काम करने की खुशी, खुद को ग्रूम्ड रखने की खुशी, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में छोटे छोटे अचीवमेंट्स करने की खुशी, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताने की खुशी, अपने परिवार की इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की खुशी, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करना, खुद को मेंटली और फिज़िकली चैलेंज करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब लाइफ के इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स, लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ सब एक तरफ हो जाएंगी और बस एक और एक ही चीज़ रह जाएगी, वो होगा आपका नशा। आप अपनी लाइफ में बाकी और ये सब चीज़ें करें ना करें, लाइफ में कोई अचीवमेंट्स करें ना करें, आपको बस आपका नशा मिल जाए और आप बहुत ही खुश हो जाएंगे और फुलफिल्ड फील करने लगेंगे। और उसके दूसरी तरफ अगर आपकी लाइफ में ये सब लाइफ की छोटी छोटी खुशियाँ अगर होंगी भी, लेकिन अगर आपको अपने नशे करने नहीं मिलेंगे तो आपको खाली खाली सा फील होता रहेगा।
आपको अपने लाइफ के अचीवमेंट से जो खुशी मिलनी चाहिए वो पूरी तरह फील नहीं होगी। तो कहने का मतलब, अगर आपकी लाइफ में कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी तो वो होंगे आपके नशे, शराब, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, और लाइफ में कुछ हो ना हो बट इनकी कमी नहीं होना चाहिए। आपको जो भी जितना भी ये नशे हैं, आपके जो भी जितने भी ये नशे हैं ये हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रहेंगे। इनकी वजह से आप अपने डिसीजंस बदलेंगे, इनकी वजह से आप अपने रास्ते बदलेंगे, ये आपको अपने गोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटकाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअल गुरुज़ को या रिसर्चर्स को सुने तो वो एडिक्शंस की साइंस को बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो भी नशे हैं, शराब हो, तंबाकू हो, ये एक बाहरी एजेंट की तरह काम करते हैं जो कि जब हमारे अंदर जाते हैं तो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, जो कि हमको एक हाई और यूफोरिया और एक तरह के प्लेजर की फीलिंग को देता है। एक्चुअली हम जब भी कोई नशा के आदि हो जाते हैं और जब भी वो हमारे सामने आता है तो हमारे ब्रेन में एक तरह का केमिकल जनरेट होने लगता है जिसको डोपामिन बोलते हैं, और जैसे ही हम उस नशे को पूरा करते हैं हमारे अंदर एक रिलैक्सेशन की और एक रिवार्ड की फीलिंग जनरेट होती है जिससे हमको इतना अच्छा फील होने लगता है। अब आप जो ये रिलैक्सेशन की या प्लेजर की फीलिंग है वो कुछ और दूसरे काम जो कि हमारे लिए नुकसानदायक ना हो उससे भी फील कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल गुरुज़ का तो ये भी कहना है कि जो हाई की या प्लेजर की जो ये फीलिंग है ये एक्चुअली हमारा ब्रेन ही है जो हमको दे रहा है। तो अगर हम अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लें तो बाहर से किसी भी तरह के कोई भी एजेंट को लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये हाई हम खुद ही फील कर सकते हैं बिना खुद को कोई नुकसान पहुँचाए। जो लोग प्रॉपर मेडिटेशन कर पाते हैं वो इस हाई को समझते हैं, उन्होंने इसको महसूस किया है। इनफैक्ट वो जो पुश हमको अंदर से आता है उसके आगे ये सब बाहर के एजेंट बहुत ही छोटे और नाकाफ़ी हैं। और अगर कोई उस नशे को महसूस कर ले तो फिर उसके आगे बाकी सारे नशे बेकार और उस नशे के कोई साइड इफ़ेक्ट और नुकसान भी नहीं है। खैर देखिए, मैं यहाँ कोई मोरल पुलिसिंग करने नहीं बैठा हूँ, मैं बस आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ जो कि मैंने नशों के बारे में पढ़ा, जाना या समझा है। हर नशे की शुरुआत या तो हमारी जिज्ञासा की वजह से होती है या फिर अपने इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से। सिर्फ एक गिलास से क्या हो जाएगा, सिर्फ एक पफ मार लेने से मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, क्या मैं मर्द नहीं हूँ, क्या मैं शराब नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता, एम आई नॉट बोल्ड इनफ, और फिर इस तरह ये डे बाई डे बढ़ता जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कब इन नशों के आदि हो गए और कब इन एडिक्शंस ने हमको हमारे ऊपर रूल करना चालू कर दिया, और फिर बाकी की हमारी सारी ज़िंदगी हम इनको जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। हम खुद को और दूसरों को बताते रहते हैं कि हमको इन नशों, इनका नशा नहीं है, और ये और मैं तो ये सब बस यूं ही मज़े के लिए करता हूं और मैं कभी भी इनको छोड़ सकता हूं, लेकिन वो कभी आता ही नहीं। बस एक गिलास और एक सिगरेट और इस तरह हम समय को टालते रहते हैं जब तक कि हमको वाकई में इनसे कोई सीरियस हार्म ना हो जाए। फिर उस दिन हमको अपनी गलती का एहसास होता है, उस दिन हमारी आंखें खुलती हैं, लेकिन दोस्त तब तक बहुत देर हो जाएगी। फिर वहाँ से वापस पीछे मुड़ के आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वहाँ से अपनी गलतियों को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद आप अपने नुकसान की कभी भरपाई कर ही ना पाएं। अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि आप अपनी कमाई को, अपने पैसों को बर्बाद कर दें, अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपने अचीवमेंट्स को भूल जाएं, अपनी आंखें खोलिए इससे पहले कि आप अपने अपनों को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को खो दें। ये लाइफ बहुत छोटी है, समय बहुत कम है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं पाने के लिए, देयर आर सो मैनी माइलस्टोन्स टू गो। आपका पैसा बहुत कीमती है, आप इसको उन चीज़ों पर बर्बाद नहीं कर सकते जो कि आपको आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही हो। और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग काम हैं करने के लिए, आपके पैसे खर्चने के लिए। देयर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग अचीवमेंट्स टू मेक इन लाइफ, सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू डू इन लाइफ। और आपके जितने भी अचीवमेंट्स हैं वो भी, या जो अचीवमेंट्स आप लाइफ में आगे करेंगे, बिना अच्छी हेल्थ के सब यूज़लेस हैं। आप बिना अच्छी हेल्थ के किसी भी चीज़ को पूरी तरह एंजॉय कर नहीं सकते। आपकी सारी कमाई यूज़लेस हो जाएगी अगर आपके पास अच्छी हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। आप आपके पैसों को बिना अच्छी सेहत के कभी एंजॉय कर ही नहीं सकते।
मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं यहाँ कोई मोरल पुलिसिंग नहीं कर रहा, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट इज़ बेस्ट नोन टू मी, और मैं आपके डिसीजंस को भी आपके ही हाथों में छोड़ता हूँ। आप खुद डिसाइड करें आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। आपको बस यह पता होना चाहिए कि आपके पास्ट के डिसीजंस ने, चॉइसेस ने आपके प्रेजेंट को बनाया है, और आपके आज के चॉइसेस और आज के डिसीजंस आपके फ्यूचर को बना रहे हैं। आपकी मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ आप पर ही डिपेंड करती है। योर फ्यूचर, योर लाइफ इज़ ऑन यू। आप खुद डिसाइड करें आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी हमारे पास पछताने और रोने के सिवा और कुछ रह नहीं जाता। मेक योर माइंड बिफोर इट गेट्स टू लेट। इट्स योर लाइफ, यू मेक योर चॉइस।